अपनी मेंिक्वायरमेंट्स जैसे टेक्नोलॉजी स्टाफ एंडिंग नहीं डालेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी ये फंडिंग आप दो तरीकों से अक्वायर कर सकते हैं पहला रूट है डेट फाइनेंसिंग जब आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंडिंग बोरो करते हैं तो इसे कहते हैं डेट फाइनेंसिंग दूसरा रूट है इक्विटी फाइनेंसिंग जब आप कंपनी में अपना स्टेक बेच के पैसा बोरो करते हैं तो इसको बोलते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग इन द प्राइमरी मार्केट द शेयर आर न्यू एंड ओपन फॉर पब्लिक लाइक यू एंड मी टू परचेज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चलिए जानते हैं कि फर्स्ट टाइम शेयर्स कैसे इशू होते हैं सबसे पहला मेथड है आईपीओ, यानी पब्लिक इशू जब आप और मुझ जैसे रेगुलर इन्वेस्टर्स को एक कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए इनवाइट किया जाता है तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफ़र या आईपीओ। पी जोमैटो और नाइका जैसी कंपनीज की लिस्टिंग के बाद ये एक बजवर्ड बन गया है कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर्स परचेज करने के लिए पहली बार इनवाइट करती है और अपनी ग्रोथ जर्नी में शामिल करती है इसका दूसरा फॉर्म है एफ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जब एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी दूसरी बार नए शेयर्स इशू करती है तो इसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं नंबर टू बोनस इशू बोनस सुनते ही खुशी होती है ना आपको काम पे बोनस तब मिलता है जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है सिमिलरली जब लिस्टेड कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म करती हैं तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करती हैं विद बोनस शेयर्स ये नए शेयर्स होते हैं और इनके लिए कंपनी फंड्स नहीं डिमांड करती ये शेयर्स सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू होते हैं नंबर थ्री प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट पार्टीज़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा इसका मतलब है कि जिन लोगों के पास इस पार्टी का इनविटेशन है सिर्फ वही लोग अलाउड हैं इसी तरह जब कंपनीज को एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स अलॉट करने होते हैं तो वो एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करती हैं इस एशुंस में आप और मुझ जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो ओपन मार्केट में ट्रेड करते हैं नहीं पार्ट ले सकते कंपनी आइडेंटिफाइज दीज इन्वेस्टर्स विद द हेल्प ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड नंबर फोर राइट्स इशू जैसे बोनस शेयर सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ऑफर होते हैं राइट्स इशू भी सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होता है मेरी तरफ से फ़िलहाल इतना ही मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल बाय फाइव पैसा के अगले एपिसोड में सी यू दैन